चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं मलाई जैम सैंडविच, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट डिश है। तो अभी हम बनाएंगे मलाई सैंडविच। एक स्लाइस लेने का ब्रेड स्लाइस, और उस पर आराम से पूरे में मलाई फैला देने का, बहुत अच्छे से। ये हमारी ताज़ी फ्रेश मलाई है, अभी सुबह के दूध की ही निकाली है हमने। दूसरे स्लाइस में हम जैम लगाएंगे, उसको अच्छे से फैला देंगे। तो ये हमारी एक स्लाइस जैम की है, एक स्लाइस मलाई की है। इन दोनों को टच करेंगे इस तरीके से। तो हमारी ये दो स्लाइस रेडी हैं। अभी हम ये हमारा सैंडविच मेकर है, हमने इसको पहले से ही प्री हीट कर दिया है और ग्रीस कर दिया था। तो इसके लिए अभी हम डायरेक्ट इसको साफ़ करके, ग्रीस करना ना भूले, प्री हीट करना ना भूले, और इसको आराम से हमने स्लाइस दोनों रख दिए। अब अच्छे से इसको प्रेस करके लगा देंगे। अब ये जब तक ये दूसरी लाइट हमारी नहीं जलेगी क्रीम, तब तक हम इसको बेक होने देंगे। ये देखिए अब हमारी दोनों लाइट जल रही हैं। अभी ये इसका मतलब है हमारी ये जो सैंडविच है बराबर बेक हो गई है। हमें स्विच बंद कर देना, लाइट्स ऑफ, और देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गई हैं। दूसरी तरफ से भी, और ये देखिए दूसरी तरफ से भी मस्त सीखी है। ये देखिए तो ये जब तक बन रही थी हमने दूसरी भी स्लाइस रेडी कर ली है। अभी इनको हम हटा लेंगे और दूसरा हम सेट कर देंगे। अच्छे से प्रेस करके क्लिप लगा देने का आराम से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अंदर तक सीख गई हैं, और ये स्वाद में भी बहुत अच्छी हैं। बच्चे तो यमी यमी करके खा लेंगे फटाफट। तो और ये हमारी घर के में बनी हुई है तो ज़्यादा ही बेनिफिट देती हैं। तो आशा है आपके बच्चों को, और जो बड़े खाते हैं मीठा ज़्यादा, उनको पसंद आएगी। तो आप भी सुबह का नाश्ता खुद बनाइए, बच्चों को खुद से खिलाइए, और ऐसा है पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। रोज़ बोलते हैं, कभी तो ऊपर कर दीजिए हमें प्लीज़। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।